बिहार में कोविड 19 के सैंपल टेस्ट में घोटाले का मामला सामने आया है। राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे रैपिड टेस्ट के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा और टेस्टिंग में धांधली पर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पटना, शेखपुरा और जमुई की सूची में दर्ज 885 लोगों की एंट्रीज की पड़ताल की गई, जिनका सरकारी आंकड़ों में कोविड 19 सैंपल टेस्ट हो चुका है। अखबार की पड़ताल में बहुत सारे नाम और फोन नंबर फर्जी मिले। सूची में सैकड़ों ऐसे नाम दर्ज हैं जिनके मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ 00 लिखा है। किसी का नाम सही है तो फोन नंबर गलत है और किसी का फोन नंबर सही है तो नाम गलत है। बिहार में विपक्ष ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह मुद्दा संसद में भी उठा। आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने ऊपरी सदन में अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से बिहार में कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े की उच्चतया जांच की मांग की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गंभीर चिंता के विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, दो दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था, 7वें दिन 1,00,000 हो जाता है, उसके 14 दिन के बाद वो 2,00,000 पार कर जाता है। और अब जब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10-0 वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि ना सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूंगा कि आगे से हर जाँच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो, ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके, यही मेरी। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कोरोना टेस्ट के नाम पर हुई गड़बड़ी की खबरों को नकारते हुए कहा कि विपक्ष कभी भी कोई अच्छी बात नहीं करता है। तो आप ऐसा कोई चीज बताएं जिसको कि हमारे जो मुख्य विपक्षी दल है अच्छा कहा हो। पहले ये बताएं कि हमने जो विगत 15 वर्षों में आधारभूत संरचना खड़ा की राज्य में, तो उसके बारे में भी कभी कोई अच्छी बातें उन्होंने करी है? तो अनावश्यक उन टिप्पणियों से हम डरते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निराधार है, इस तरह की बातें आनी नहीं चाहिए। बिहार ने किस प्रकार से कोविड 19 में हमारे राज्य के अधिकारियों ने, राज्य के लोगों ने, राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने, राज्य के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने किस प्रकार से बिहार वासियों की सेवा की है। इस मामले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा था कि वह फर्जीवाड़े के लिए जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को अब तक निलंबित कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 जुलाई को बिहार में कोरोना जांच की संख्या 10,456 थी, जो 6 दिनों में यानी कि सिर्फ 30 जुलाई को दुगनी तेजी से बढ़कर 20,801 पहुंच गई। इसके बाद 13 दिनों के बाद 13 अगस्त को बिहार में प्रतिदिन कोविड 19 के सैंपल टेस्टों की संख्या 1,00,000 के आंकड़े को भी पार कर गई और फिर 22 अगस्त आते आते रोजाना 2,00,000 से भी अधिक सैंपल टेस्ट होने लगे थे। न्यूज डेस्क।